मैम, अब यस मैम। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स आइसोक्वांट, जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। आइसोक्वांट क्या चीज होती है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स का क्या मतलब होता है? कॉन्वेक्स का मतलब है, ये देखिए मैं आपको शेप बना के देती हूँ ना, ये पहाड़ की। तो ये जो पहाड़ का जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, और ये जो नीचे वाला एरिया है ना, इसको हम कहते हैं कॉनकेव। जो केव लाइक होता है ना, गार की तरह, गार सा केव, तो उसको कहते हैं कॉनकेव। और जो इसका ऑपोजिट होता है वो होता है कॉन्वेक्स। तो ये ऊपर से कॉन्वेक्स है और नीचे से कॉनकेव है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगी ना, तो ये कॉनकेव कहलाएगा, क्योंकि ओरिजिन की तरफ इसका केव है, ये ओरिजिन है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगी तो ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि ओरिजिन की तरफ इसका ये ऑपोजिट साइड। ठीक हो गया, समझ आ गई? अच्छा, तो अच्छा किधर चला गया, ये है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि इनपुट्स को जो है, जो तो आपके पास इनपुट्स हैं, लेबर और कैपिटल हो गया, वो क्या है, सब्स्टिट्यूट तो आप कर सकते हैं। दोनों इनपुट्स को आप सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग बनानी है ना आपने, एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए आपको मजदूर भी चाहिए, ठीक है। और आपको उसके लिए और क्या चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, ठीक। तो रुकिए, या फिर ऐसे करते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं लेबर, यहाँ लेबर हो गया है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं क्लोथ्स, गलत इन्होंने लगाया है। बिल्डिंग बनाने के लिए हमें एक तो लेबर चाहिए होगा, एक हमें कोई मशीन चाहिए होगी, फॉर एग्जाम्पल मशीन कोई, ठीक है, कोई एनी मशीन, ठीक। मशीन लिखा हुआ समझ आ रहा है कि मशीन लिखा हुआ है? नो मैम, ठीक है, एक तरफ मशीन्स नो। हैं और एक तरफ लेबर्स हैं। तो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, आप कोई प्रोड्यूसर, आप कोई प्रोड्यूसर है, और आप क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, एक तरफ लेबर है और एक तरफ आपको मशीन की जरूरत है। अब देखिए, लेबर जो है मशीन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और इसी तरह मशीन जो है वो लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? इसका मतलब क्या है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मशीन बगैर लेबर के काम करे, या लेबर बगैर मशीन के सारा काम कर ले? कर तो सकता है, लेकिन फिर वो बहुत, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन के बजाय फिर आपको कितने लेबर लगाने पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 लेबर्स लगाने पड़ेंगे। तो अच्छा सब्स्टिट्यूट तो ना हुआ ना, कि आपको एक लेबर को, अगर आपको एक मशीन हटानी है तो आपको 100 लेबर लगाने पड़ेंगे, तो ये तो गुड सब्स्टिट्यूट नहीं है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि वो काम जो मशीन कर सकती है वो इंसान नहीं कर सकता, आसानी से नहीं कर सकता, तो ये गुड सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप एक को दूसरे के साथ चेंज करेंगे, यार बहुत बुरा लिखा था, दोबारा लिखती हूँ, जब आप एक को दूसरे के साथ चेंज करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपकी सब्स्टिट्यूटबिलिटी क्या है, परफेक्ट नहीं है, बल्कि थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ज्यादा हद तक नहीं हो सकता मशीन, ठीक। यहाँ पे क्या कर रहे थे पहले, आप एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, तो आपको लगा एक मशीन और कितने लेबर्स, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर आपको लगा, वन लेबर, वन मशीन इज इक्वल टू, या मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, वन नहीं करती इसको, मैं 100 लिख लेती हूँ, ताकि हम 100 मशीन्स लगी और 100 लेबर्स लगे हमें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। इससे हम लोगों ने बनाया एक घर, बहुत बड़ा घर बनाया, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा यार ये मशीन्स तो बहुत महंगी हैं, मैं ऐसे करती हूँ मशीन्स को थोड़ा कम कर देती हूँ और मैं लेबर्स थोड़े ज्यादा कर देती हूँ। तो आपने क्या कर दिया, 100 से आप लेकर आ गए, फॉर एग्जाम्पल 800 कर लेते हैं, चलो। लेकिन 800 मशीन्स के साथ फिर आपको लेबर जो है कितने, सॉरी 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 80 800 नहीं, 80, 100 से आप जब कम करेंगे तो 80 होगा ना, 800 तो नहीं हो सकता। किधर चली गई मेरी पेंसिल, ये है, अच्छा ठीक है, 100 से आप हो गए 80 पे, आपने क्या थोड़ी मशीनें कम कर लेते हैं, तो फिर आपको 100 से ज्यादा करने पड़ेंगे आपको लेबर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कर लिए 150, ठीक। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा मुझे थोड़ी मशीनों को और सस्ता कर और कम करना है, तो आपने ले लिए फॉर एग्जाम्पल 50 मशीन्स ले ली, लेकिन लेबर अब आपको 50 मशीन्स के साथ आपको
150 लेबर नहीं लगेंगे, पहले आपने सिर्फ 50 लेबर ज्यादा किए थे, ठीक है ना, अब आपने कितने लेबर ज्यादा करने हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 लेबर आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, तो 150 से आप चले गए 250 पे, तो तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गए। पहले कॉम्बिनेशन में 100 वो थे, 100 मशीन्स, 100 लेबर्स और एक घर। आप क्या किया, आपने 80 लेबर, 80 मशीन्स, 150 लेबर और आपको फिर भी एक ही घर मिला। लेकिन अगर आपने 80 से और कम किया और आपने वो बड़ी बड़ी जो खास खास मशीनें वो बेच दी हैं, वापस कर दी, तो उसकी जगह अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फॉर एग्जाम्पल 250 लेबर आपको लगाने पड़े हैं, लेबर की तादाद ज्यादा करनी, बहुत ज्यादा करनी पड़ी। पहले तो आपने सिर्फ 50 ज्यादा की थी ना, इस दफा आपको 100 ज्यादा करनी पड़ी। तो इसका क्या मतलब, हमने मशीन हटा दिया, अच्छी अच्छी मशीन हमने हटा दी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये सिंपल सा मतलब ये है कि ये दो जो है आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं एक दूसरे को, ये नहीं कि नहीं कर सकते, मशीन और इंसान एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। देखिए, क्लर्कों की जगह कंप्यूटर्स ने ले लिया है, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जो मशीन से बनती हैं, फॉर एग्जांपल कढ़ाई है या कटिंग है, इंसान भी ऐसे हैं जो कि कढ़ाई भी करते हैं हाथ से और कटिंग भी करते हैं, शीशे की कटिंग भी करते हैं, इसी तरह मशीन भी कटिंग करती हैं। तो सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अलग अलग दोनों पे खर्चा अलग अलग आता है, दोनों की क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाथ की कढ़ाई अलग होती है और मशीन की कढ़ाई का अलग क्वालिटी होती है, लेकिन आपको पता होगा कि महंगी कौन सी होती है, हाथ की कढ़ाई, ठीक है। तो मशीन इज नॉट अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन बीइंग्स या लेबर, एंड द सेम वे लेबर्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर मशीन्स। तो फिर इस तरह की सूरत हाल में जो आपके पास आइसोकॉन्ड बनता है वो थोड़ा इस शेप में होता है, जिसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि इसकी जो ये हम्प वाली जगह है वो ओरिजिन के ऑपोजिट है, ठीक है। चलो अब हम आगे जाते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्स, आइसोकॉन्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड, ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप होते हैं। क्यों होते हैं नेगेटिवली स्लोप, क्योंकि जब आप एक चीज को कम करते हैं, जब एक चीज को ज्यादा करते हैं तो दूसरी चीज आपको कम करनी पड़ती है, ठीक है। तो द रीजन इज व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज रिड्यूस्ड, जब आप एक को कम करते हैं तो द सेम लेवल ऑफ आउटपुट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन द अदर, व्हेन द क्वालिटी, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द अदर इज इंक्रीज्ड। अगर आप एक ही घर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अपने कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, मशीन्स को कम करके लेबर्स ज्यादा ले आए, तो जब आप मशीन को कम करेंगे लेकिन घर आप एक बनाना चाहते हैं तो फिर आपको लेबर्स की तादाद ज्यादा करनी पड़ेगी। इसी तरह जब आप उसको मिलाएंगे तो आपका जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिवली स्लोप बनेगा। हायर आइसोकॉन्स रिप्रेजेंट्स हायर आउटपुट, जिस तरह हायर इंडिफरेंस कर्व बताता था कि ज्यादा प्रोडक्शन होगी, सॉरी यूटिलिटी होगी, इसी तरह जो नीचे वाला आइसोकॉन्ट है वो बता रहा है कि क्वांटिटी Q1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन Q जो हायर आइसोकॉन्ट है वो बता रहा है कि ये Q2 प्रोड्यूस कर रहा है। सो द हायर आइसोकॉन्ट, हायर इज देयर आउटपुट, ठीक, लार्जर इज द आउटपुट। फिर क्या है, नो टू आइसोकॉन्स कैन इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, आइसोकॉन्स दो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये सेम वैसा है जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था कि नो टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन एवर टच ईच अदर। उसका मकसद क्या था, उसका मकसद तो ये था कि अगर दो अलग अलग मंडल एक ही जैसी इंडिफरेंस कर्व का, तो मतलब ये होता है ना कि आपको यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन अगर एक हायर इंडिफरेंस कर्व है और एक लोअर इंडिफरेंस कर्व है, और एक में, एक हायर इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा चीजें मौजूद है और लोअर इंडिफरेंस कर्व में कम चीजें मौजूद है, तो फिर दोनों कैसे एक जितनी आपको जो है खुशी दे सकते हैं। इसी तरह नो टू आइसोकॉन्स कैन इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, इसका मतलब यह है कि अगर एक लेबर और एक कैपिटल और एक लेबर आपको एक घर बना के दे रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि दो लेबर और दो कैपिटल भी आपको एक घर बना के दे। इंटरसेक्शन का तो मतलब ये होगा कि सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब आपने अपनी क्वांटिटी को डबल कर दिया है तो फिर आपका लेबर और कैपिटल सेम ही क्वांटिटी कैसे बना रहा है, ठीक। आइसोकॉन्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये कॉन्वेक्स होते हैं। क्यों होते हैं, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से, MRTS की वजह से, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब आप एक चीज को ज्यादा हासिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप वो उसको छोड़ते जाते हैं, दूसरी चीज को लेने की खातिर लेबर को ज्यादा करते हैं,
तो आपको कैपिटल को कम करना पड़ेगा, कैपिटल को ज्यादा करते तो आपको लेबर को कम करना पड़ेगा, तो उससे जो ये MRTS जो है उसकी वजह से जब आप उसकी शेप देखते हैं तो वो क्या होती है, ओरिजिन होती है. ठीक. अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है उन्होंने, सिग्निफिकेंस ऑफ द आइसोक्रोन कर्व, इसको छोड़ दें. अब हम आते हैं नए उसके ऊपर जो कि है आइसोकॉस्ट और इक्वल कॉस्ट लाइन. आइसोक्रोन क्या था, इक्वल क्वांटिटी कर्व, ठीक है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, एक जितनी प्रोडक्ट दे रहा था, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इक्वल कॉस्ट लाइन. ये बिल्कुल बजट लाइन की तरह है. बजट लाइन आप लोगों को याद है इंडिफरेंस कर्व में और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, ये बिल्कुल सेम वैसी है. आइसोकॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स. ये आपको अब क्या बताएगी, प्राइस बताएगी. आइसोक्रोन में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज की बात की थी, चाहे वो इनपुट की क्वांटिटी हो चाहे वो आउटपुट की क्वांटिटी हो, हम वहाँ उनकी कीमतों की बात नहीं कर रहे थे. लेकिन अब हमें कीमतों के बारे में कौन बताएगा, हमें अब आइसोकॉस्ट बताएगा या इक्वल कॉस्ट. ठीक है, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स. ये भी आपको लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है, विच द फर्म कैन बाय, जो फर्म खरीद सकती है विद इन अ गिवन आउटले, एक खास बजट के अंदर रहते हुए आपका फर्म जो जो अलग अलग कॉम्बिनेशन खरीद सकता है या आपको वो बताती है. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक लेबर है 10 रुपीज का और आपकी एक मशीन है 20 रुपीज की, और आपके पास टोटल बजट है 100 रुपीज. ठीक है, तो आप 100 रुपीज में कितने लेबर्स खरीद सकते हैं, ऑब्वियसली 10 खरीद सकते हैं क्योंकि एक लेबर को आपको 10 रुपए देने हैं. लेकिन आप उसी 100 रुपए में कितने मशीन खरीद सकते हैं, एक मशीन 20 रुपए की है तो आप उसमें 5 मशीन खरीद सकते हैं. समझ आ गई. इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि आप एक मशीन को ज्यादा करें तो फिर आपको 2 लेबर्स को कम करना पड़ेगा, फिर आप, या फिर आप एक मशीन को कम करेंगे तो फिर आप उससे एक्स्ट्रा 2 लेबर्स को खरीद सकते हैं. चलो, इन्होंने एग्जांपल बता दिया. सपोज अ फर्म हैज 100 रुपीज 1000 टू स्पेंड ऑन टू फैक्टर्स एक्स एंड वाई. एक फर्म है, उसके पास टोटल 1000 रुपए हैं और दो जो चीजें वो खरीद रहा है, एक है लेबर एक्स और एक है कैपिटल वाई. ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स इज 10, ठीक है, एंड दैट ऑफ वाई इज 20, देन द फर्म कैन स्पेंड इट्स आउटले. आउटले का मतलब बजट है जितना उनके पास मौजूद है, ऑन एक्स एंड वाई, और इट कैन स्पेंड द एंटायर आउटले ऑन वाई एंड बाय 50 यूनिट्स ऑफ इट विद 0 यूनिट्स ऑफ वाई. तो फर्म क्या कर सकती है, या तो सारा का सारा एक्स खरीद सकती है, ठीक है, या तो सारा का सारा वाई खरीद सकती है, या वो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन भी खरीद सकती है. ठीक है, क्योंकि उसके पास जितने पैसे हैं और उनकी जो जो प्राइसेस हैं उसमें वो डिफरेंट चीजें कर सकती है. तो ये सारे कॉम्बिनेशन जब हम इकट्ठे कर लेते हैं तो ये आपके पास ऐसी लाइन बन जाती है. देखिए, आइसोकॉस्ट लाइन बिल्कुल बजट लाइन की तरह स्ट्रेट होती थी, बजट लाइन भी सेम टू सेम वैसी है. अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताती हूँ. हम ऐसे सोच लेते हैं कि जो फैक्टर वाई है वो है फॉर एग्जाम्पल रुपीज 10 का. ठीक है, प्राइस ऑफ वाई क्या है, 10 रुपीज है. या आप ले लेते हैं इसको कैपिटल, ठीक, मशीन. और जो प्राइस ऑफ एक्स है, एक्स आप क्या ले रहे हैं, लेबर ले रहे हैं, वो है फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 रुपीज. और ये है क्या, ये है हमारे पास लेबर. ठीक है, आपके पास टोटल पैसे कितने हैं, 100. आप एक फर्म ओनर है, ठीक है. अब आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो सारे के सारे पैसे मशीन पे लगा सकते हैं या सारे के सारे पैसे आप लेबर पे लगा सकते हैं. अगर आप 100 के 100 रुपए में मशीन खरीद लेते हैं, कोई कैपिटल खरीद लेते हैं, तो आप कितने खरीद सकते हैं कैपिटल, 100 / 10 करेंगे ना, क्योंकि 10 रुपीज का एक आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 10. ठीक, तो आप 10 चीजें खरीद सकते हैं, 10 मशीन खरीद सकते हैं या 10 कैपिटल खरीद सकते हैं. तो आपने लगा लिया यहाँ पे 10. ठीक है, लेकिन जब आप ये 10 खरीदेंगे तो आपके पास बाकी कोई पैसे नहीं बचेंगे लेबर खरीदने के लिए. तो लेबर आपका इस टाइम क्या है, 0. इस पॉइंट पे आपका लेबर क्या है, 0. अच्छा, अगर आप ऐसे करें कि आप सारे के सारे पैसे लेबर पे लगा दें, ठीक है, 5 रुपए का एक लेबर आ रहा है और आपके पास 100 रुपीज है,
तो 100 डिवाइड बाय 5 आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 20। ठीक है, कितने लेबर आप खरीद सकते हैं 100 रुपए में, 20। तो ये हो गया आपका, ठीक है। लेकिन जब आप लेबर सारे के सारे पैसे लेबर पे खर्च कर देंगे तो फिर आप कैपिटल जीरो खरीद सकते हैं। तो देखिए ये आपका कैपिटल यहाँ पे है, ये जो है आपके पास यहाँ पे है जीरो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए। और फिर जब आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो यू गेट दिस स्ट्रेट लाइन। इसमें मौजूद जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो सारे क्या हैं, अफोर्डेबल हैं। मतलब आप वो 100 रुपए के अंदर रह कर ये सारी चीजें डिफरेंट कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। जिसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है 9 कैपिटल। ठीक है, देखिए आपने 9 कैपिटल कर दी, एक कम कर दिया ना। और इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल क्या, कितने लेबर्स आपने छोड़े हैं, कितने लेबर्स खरीद सकते हैं जब आप एक कैपिटल छोड़ेंगे। ऑब्वियसली आप 2 लेबर्स खरीद सकते हैं। जब आप एक मशीन को छोड़ेंगे ना, 10 रुपए की एक मशीन है, तो जब आप 10 रुपए की एक मशीन छोड़ेंगे तो 5 रुपए का एक लेबर है, तो आप 2 लेबर्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो आप 2 लेबर्स लेंगे। फिर जब आप एक और छोड़ेंगे 9 के बजाय 8 कर देंगे, तो फिर आप 2 के बजाय 4 कर देंगे यहाँ पे लेबर। इसी तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। और आप जब इन कॉम्बिनेशन के पैसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों, ये वाला 9 और 2 हो कि 8 और 4 हो कि 6 और 6 हो, 6 कैपिटल 6 लेबर, ये सारे के सारे अफोर्डेबल हैं। जैसे कि देखिए किस तरह, हाँ ये देख लेते हैं। 9 आपने मशीनें खरीदी, ठीक, तो कितने हो गए, 9 × 10 = 90 रुपीज़ आपके यहाँ पे 90 रुपए खर्च हो गए। ठीक, और यहाँ पे फिर आपके पास 2 लेबर भी आपने खरीदे, और एक लेबर कितने का है, 5 रुपए का, और 2 लेबर हो गए 10 रुपए के। देखें कितने हो गए टोटल, 100 हो गए ना। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं लेबर और कैपिटल के, जो कि एक फिक्स्ड गिवन बजट के अंदर आप आराम से खरीद सकते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। चलो वेरी गुड। यस मैम आ रही है। ठीक है, ये बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह और बजट लाइन की तरह है। इंडिफरेंस कर्व की जगह यहाँ हम लोगों ने आइसोक्वांट पढ़ा है, ठीक है, different combinations of inputs but giving you the same quantity, isoquant, same like indifference curve, different combinations of goods that yield the same amount of utility for the consumer. Aur wahan pe budget line mein kya padha tha, different combinations of x and y, different combinations of good x and y that can be bought within the same budget. Yahan pe bhi wahi hai ki same budget ke andar rehkar aap kaun se different inputs ko के कॉम्बिनेशंस को खरीद सकते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, 2 चीजें आ गई। एक तो आपके पास ये आ गया कि आप कौन कौन सी चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है, वो आपको ये आपकी, मैंने आपको बताया था कि आपकी चादर कितनी है, वो आपको आपकी बजट लाइन बताएगी कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। बजट लाइन से ऊपर जाएंगे तो वो अनअफोर्डेबल होगा, बजट लाइन से नीचे अफोर्डेबल होगा लेकिन वो फिर इनएफिशियंट होगा, इतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप मतलब फिर आपको कम पैसे लगाएंगे इसके अंदर रहकर, ठीक है, अपने सारे पैसे नहीं लगाएंगे। तो अच्छा, इन्होंने फिर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में आज आपको बताऊंगी कि बिल्कुल वैसा है इक्विलिब्रियम। मैम इतना काफी है? नहीं बेटा, ये आखिरी चीज पढ़ ली, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। Okay, ये इसी इन्हीं को मिलाना है बस। अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ। मैं चाह रही हूँ कि ये देखना पड़ेगा क्या है किधर। ये फिर बेसिक चीजें शुरू हो गई हैं।
प्रोडक्शन कोशिश करते हैं कि मिल जाए कि मैं चले आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। आई होप मैम आपको ऑथर ऑफ प्रोडक्शन मिल गया नेट पे? हाँ क्यों नहीं, हमने पढ़ भी लिया। हाँ ना मैम सर्च कर रही थी तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन तो मिल गया लेकिन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम ये तो है, ये है, ये है, ये है, ये है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। यस अच्छा मैंने अब आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ाना है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है? ये वो पॉइंट है जिसमें प्रोड्यूसर अपने बजट के अंदर रहते हुए ऐसे कॉम्बिनेशन खरीदता है लेबर एंड कैपिटल के जो कि उसको मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम देते हैं। मतलब 100 रुपए के अंदर रहते हुए वो जितना अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल का यूज कर सकता था वो उसने यूज किया है और उसने उसको कितनी प्रोडक्शन दी है, इन 100 रुपए में वो जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता था वो उसको प्रोडक्शन मिल गई है। ठीक है तो इट इज अ पॉइंट। अच्छा इसके अंदर दो चीजें इस्तेमाल होंगी, एक इसके अंदर इस्तेमाल होगा आपका आइसोक्वांट जो कि आपको डिफरेंट क्वांटिटीज बताता है, ठीक है, जो कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ले एक क्वांटिटीज आप हासिल कर सकते हैं और जितना ऊपर होगा आपका आइसोक्वांट उसका मतलब उतनी ज्यादा क्वांटिटी वो आपको दे रहा है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बजट लाइन या जिसको हम लोग कह रहे थे आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है यहाँ पे आइसो कॉस्ट का क्या मतलब है कि आपका बजट जितना है उसके अंदर रहते हुए आप कौन कौन सी चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है तो एक तरफ आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पता चल गया कि आप कौन कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपको एक जैसी आउटपुट मिलेगी और दूसरी तरफ आपको ये भी पता चल गया कि कौन कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्योंकि जो आपके बजट के अंदर है। तो हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इंशाल्लाह प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, या हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो इट इज अटेन्ड एट अ पॉइंट, ये एक ऐसे पॉइंट पे आपको मिलता है वेयर द आइसो कॉस्ट लाइन जो कि आपके बजट लाइन होती थी पीछे इज टेंजेंट टू आइसो क्वांट कर्व, जब वो आइसो क्वांट के साथ टेंजेंट हो जाता है। और टेंजेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन अ लाइन ऑन व्हेन अ कर्व कट्स अ लाइन और अ लाइन कर्व्स कट्स अ कर्व एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, जब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कोई कर्व किसी लाइन को या कोई लाइन किसी कर्व को टच करता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसी तरह हम लोग इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन इज कॉल्ड गिव्स यू द इक्विलिब्रियम फॉर कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, प्रोड्यूसर को भी जब आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट एक दूसरे को कट करते हैं किसी लाइन पे किसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट क्या होता है आपका, होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इट इज द पॉइंट वेयर द आइसो क्वांट कर्व जस्ट टचेस द आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है, इट डजंट इंटरसेक्ट द आइसो कॉस्ट लाइन, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इंटरसेक्ट का मतलब होता है आर पार हो जाना, ठीक है, आर पार हो जाना, क्रॉस हो जाना, इंटरसेक्शन इसको कहते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, देखिए इंटरसेक्शन इस तरह होता है, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, लेकिन टच करना क्या होता है ना कि सिर्फ एक जगह पर टच किया और फिर वहां से गुजर गया, दिस इज टेंजेंसी, सही, and this is not tangency, this is intersection. Achha. So, slope of the isoquant curve and isocost line are the same at this point. Kyunki is point pe dono dusre ko touch karte hain ek hi jagah pe, to isi wajah se jo iska slope hoga, isoquant ka slope hoga, wo hi barabar hoga kiske slope ke isocost ke. Aur slope mein aap logon ko bata chuki hun ki slope kisko kehte hain. Theek hai? Change in y divided by change in x. इसको स्लोप कहते हैं और दोनों का चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स दोनों का बिल्कुल सेम होगा क्योंकि पॉइंट ही एक है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वुड बी इक्वल टू वेजेस बाय
रेड, इसको अभी आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं हम। अच्छा तो देखिए, ये आपने पहले अपना बजट लाइन बनाया या आईएसओ कॉस्ट बनाया, ये आपका आईएसओ कॉस्ट नजर आ रहा है आपको, के यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है, ये आपका क्या बजट लाइन है या आपका आईएसओ कॉस्ट है, आईएसओ कॉस्ट आईसी, ठीक है, और ये आपका क्या है, यह है आपका आईएसओ क्वांट आईक्यू, ठीक। अब इसने यहां पे इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया है और वो ये पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे इसका आईएसओ क्वांट का और आईएसओ कॉस्ट का, दोनों का जो स्लोप है वो सेम है। स्लोप कैसे सेम है, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स का और चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स इन दोनों का सेम है, क्योंकि पॉइंट ही एक है ना, इसीलिए। अच्छा अब क्या है, अब आगे जाते हैं, बल्कि मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक आईएसओ क्वांट ना होता, ज्यादा आईएसओ क्वांट्स होते, फॉर एग्जाम्पल एक और आईएसओ क्वांट होता, एक ही आईएसओ क्वांट है, अच्छा एक है ये, ठीक, तो अगर आप देखें तो ये वाला जो आईएसओ क्वांट है इसको हम कह देंगे, इसको कहेंगे वन, इसको कह देते हैं टू, ठीक है, तो ये वाला आईएसओ क्वांट देखें यहाँ पे भी बजट लाइन को टच कर रहा है और यहाँ पे भी बजट लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब ये कि इस आईएसओ क्वांट में फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज बनती है या 10 चीजें बनती हैं, तो जो उससे नीचे होगा उससे कम बनेंगी ना, इसमें 8 चीजें बनती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बजट पे रहते रहते हुए अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करें के एन एल का, या आप ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करें के एन एल का, तो दोनों से आपको प्रोडक्शन कितनी मिलेगी, 8, सही। अगर आप यहाँ पे एक 8 मशीनें और एक लेबर इस्तेमाल करें, या 3 मशीनें और 12 लेबर आप इस्तेमाल करें, दोनों आपको 8 जो है ना चीजें बना के दे रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला आईएसओ क्वांट है। लेकिन देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दो पॉइंट्स हैं, एक जितनी प्रोडक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये टेंजेंट है, नहीं ये टेंजेंट नहीं है, ये तो इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ से भी गुजर रहा है और इसके अंदर से भी गुजर रहा है, दो जगह पे इसको कट कर रहा है, ठीक है, तो ये तो टेंजेंसी है ही नहीं, तो ये आपकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे वो तो पूरी नहीं हो रही। अब यहाँ देखें तो ये वाला आईएसओ क्वांट जो है ये पॉइंट आपको दे रहा है और ये क्या है, टेंजेंट भी है, ठीक है, और साथ में एक और चीज है, ये हायर आईएसओ क्वांट है, इसका मतलब है ये पिछले वाले से ऊपर है, इसका मतलब है ये ज्यादा क्वांटिटी आपको दे रहा है, लेकिन बजट आपके काबू में है, क्योंकि बजट लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है ये पॉइंट, इसका मतलब है कि ये पॉइंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं कैपिटल और लेबर का, तो ये अफोर्डेबल भी है क्योंकि आगे बजट लाइन के ऊपर पड़ा है, और साथ में ये आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा दे रहा है, अगर ये 8 प्रोडक्शन दे रहा है तो ये आपको 10 प्रोडक्शन दे रहा है, तो कोई भी समझदार प्रोड्यूसर अपने बजट के अंदर रहते हुए ऐसा ही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेगा के और एल का, जो कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके, तो ये आपको 10 प्रोडक्शन दे रहा है। अब हम एक तीसरा आईएसओ क्वांट देखते हैं, ये है आईएसओ क्वांट, ये आपको 12 चीजें दे सकता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन इसकी 12 है, लेकिन ये क्या है, ये बजट लाइन से बाहर है, इसका क्या मतलब है, दिस इज आउट ऑफ आर बजट या दिस इज अनअफोर्डेबल, ठीक, तो आपका कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहाँ है, ये है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, द पॉइंट एट व्हिच द आईएसओ क्वांट, द हायर हाईएस्ट पॉसिबल आईएसओ क्वांट टचेस द बजट लाइन या आईएसओ कॉस्ट लाइन एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या सिस्टम है ये हम देखते हैं कि जरूरत है कि नहीं है, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ये भी हम, ठीक है, बस सही हो गया, आज के लिए इतना काफी है, आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक हम लोगों ने पढ़ा आईएसओ कॉस्ट क्या होता है, आईएसओ क्वांट्स क्या होते हैं, आईएसओ क्वांट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी,
फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोक्वांट्स पड़े जिसके अंदर एक आपके पास लीनियर आइसोक्वांट था जब सेम सब्सिट्यूट फिर राइट एंगल था यस और फिर हम लोगों ने कॉन्वेक्स पढ़े ठीक है फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा फिर हम लोगों ने हाँ फिर हमने आइसोकॉस्ट पढ़ा वेरी गुड आइसोकॉस्ट पढ़ा फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा आइसोकॉस्ट और आइसोक्वांट को मिलाकर जब हमें टेंजेंसी मिल जाती है और हाईएस्ट पॉसिबल कर्व को जब आपका बजट लाइन या आपका आइसोकॉस्ट टच करता है तो वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपका बजट के अंदर भी रहते हुए आप ऐसा प्रोडक्शन करते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर चूज करते हैं जो कि आपको हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट देता है और वो अफोर्डेबल भी होता है. तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया और फिर अब अगर देखें तो इसमें कंटिन्यूशन ये हो सकती है जिस तरह हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम है वो कैसे चेंज होगा. चेंजेस इन हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए या किसी बंदे की इनकम बढ़ जाए या किसी दोनों चीज़ों की प्राइस बढ़ जाए तो इसी तरह यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर लेबर की प्राइस बढ़ जाए तो लेबर की जो प्राइस होती है वो वेजेस होती है क्योंकि हम उसको वेजेस देते हैं ठीक है. कैपिटल की जो प्राइस होती है वो उसका रेंट होता है ठीक है. जब आप कोई जमीन जगह पे क्या कहते हैं अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो उस बिल्डिंग का आपको रेंट देना पड़ता है ठीक है. या कोई मशीन लेते हैं तो आप उसका रेंट देते हैं. तो हम इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं. और फिर क्या होगा कि बजट लाइन ऊपर नीचे होगी या जो आइसो कॉस्ट है आपका कभी आगे चला जाएगा कभी पीछे चला जाएगा या फिर क्या होगा कि आपका जो एक की प्राइस चेंज हो जाएगी तो रोटेशन होगी दोनों की प्राइस चेंज होगी तो शिफ्ट आएगा तो फिर आपका बजट लाइन आइसो कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा और फिर आपका पूरा का पूरा जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो भी चेंज हो जाएगा. ये बुक में मौजूद होगा. आई वॉन्ट कि आप लोग इसको पढ़ें क्योंकि ये बिल्कुल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरह सेम टू सेम है. सही ठीक है. चलो बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो मैम. थैंक यू मैम. चलो वेरी गुड. नो मैम नहीं. चलो ठीक है फिर इंशाल्लाह कल बात. मैम अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.